हेलो नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, और इस वीडियो में मैं आपसे डेटा टैम्परिंग को लेकर बात करने वाला हूं और डेटा टैम्परिंग के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊंगा जो अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये टॉपिक ही काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है, काफ़ी बड़ी टॉपिक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बट इसका इस्तेमाल करके आप बड़े से बड़े कारनामे कर सकते हैं। और ये वीडियो देखने के बाद आप ज़रूर इस पर ट्राई मारेंगे, कुछ ना कुछ आप इसके साथ करेंगे, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो वीडियो प्लीज़ पूरा देखिएगा, ठीक है दोस्तों। डेटा टैम्परिंग, जिसे आप वेब पैरामीटर टैम्परिंग भी बोल सकते हैं या फिर वेब डेटा टैम्परिंग भी बोल सकते हैं, इसके तहत क्या होता है, जैसे कि आप मान लो फ्लिपकार्ट पे या अमेजन पे कोई चीज़ बाय कर रहे हो, ठीक है। अब एग्जांपल देता हूँ आपको, वहाँ बाय कर रहे हो, उसकी वैल्यू है 500 रुपये की, वो 500 रुपये की है। डेटा टैम्परिंग से आप क्या कर सकते हो, उसकी वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो, 500 के सामान को आप 5 रुपये कर सकते हो और उसको सर्वर को सेंड कर सकते हो, और सर्वर को लगेगा कि ये वैल्यू जो है 5 रुपये की ही है, और वो 5 रुपये में वो आपको सामान बाय करके, यानी कि सामान जो है आपको वो 5 रुपये का मिल जाएगा, 500 रुपये का सामान। तो क्या ऐसा हम नॉर्मली किसी भी साइट पर कभी भी कर सकते हैं? जी नहीं, ये एक वल्नरेबिलिटी है जो कि OSP में भी कवर की गई है, और OSP में इसका नाम दिया गया है वेब पैरामीटर टैम्परिंग, ठीक है। इसके इस्तेमाल करके आप एक वैल्यू को चेंज कर सकते हो, आप जो वैल्यू होती है जो कि एक कुकीज में या फिर URL के स्ट्रिंग्स में होती हैं, वो उसमें हिडन होती हैं, उन वैल्यूज को आप चेंज कर सकते हो, उन पैरामीटर्स को आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि मान लो फ्लिपकार्ट है, ठीक है, आपने फ्लिपकार्ट पे आपको कोई शूज़ देखा आपने, वो 3000 रुपये की शूज़ है, ठीक है, आपका बजट उतना नहीं है, 3000 रुपये आप पे नहीं कर सकते, और फ्लिपकार्ट में वेब पैरामीटर टैम्परिंग का बग है। ध्यान रहे, जब बग होगा तभी आप डेटा टैम्परिंग कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट पे। अगर बग नहीं है, अगर उसमें कोई वल्नरेबिलिटी नहीं है ये वाली वेब एप्लीकेशन डेटा टैम्परिंग की, तो आप वो काम नहीं कर सकते हैं। तो आपको पहले फाइंड आउट करना पड़ता है, आपको टेस्ट करना पड़ता है। टेस्ट कैसे करें, तो टेस्ट करने के लिए बहुत सारे एक्सटेंशंस आते हैं, टूल्स आते हैं, तो उसमें कुछ फेमस एक्सटेंशन है, वो है टेम्पर डेटा और दूसरा है लाइव HTTP हेडर। उसके बाद आप टूल का यूज़ कर सकते हैं, जब फेमस बॉबसूट यूज़ कर सकते हैं, बॉबसूट में बहुत अच्छे से डेटा टैम्परिंग आप कर सकते हैं कहीं भी किसी भी वेबसाइट पे, चाहे वो HTTP हो, HTTPS हो, ठीक है। तो अब क्या होता है, जैसे कि वो 3000 का शूज़ है, ठीक है, अब उस शूज़ को आपको बाय करना है, आपका 3000 का बजट नहीं है। अगर फ्लिपकार्ट में वेब टैम्परिंग, अगर वेब एप्लीकेशन डेटा टैम्परिंग का बग है या वल्नरेबिलिटी है, जो कि फिलहाल नहीं है वैसे तो, बट आप छोटी मोटी साइट्स पर ट्राई कर सकते हैं, तो अगर वल्नरेबिलिटी है तो आप क्या कर सकते हैं, बॉबसूट से आप अपने बॉबसूट को कॉन्फ़िगर कीजिए, कॉन्फ़िगर करने के बाद आप फ्लिपकार्ट ओपन कीजिए फायरफॉक्स में, और उसके बाद होता क्या है डेटा टैम्परिंग में, जैसे कि आप 3000 का आइटम कोई बाय करने वाले हो फ्लिपकार्ट से, तो आप जैसे ही उस पर क्लिक करोगे 3000 पे बाय नाउ पे, तो आपके ब्राउजर से सर्वर को, फ्लिपकार्ट के सर्वर को एक रिक्वेस्ट जाती है। उस रिक्वेस्ट में ये होता है कि ये सामान कितने का है, इसकी क्वांटिटी कितनी है, इसका कलर कौन सा है, और आपको वो सर्वर फिर से रिस्पॉन्ड करती है और आपको बताती है कि आपका 3000 का परचेज हो गया, बट आप यहां से 3000 का वो आइटम भेज रहे हो, वहां पे 3000 रुपये जा रहा है सर्वर के पास और 3000 रुपये का आपका सामान परचेज हो जा रहा है। लेकिन क्या अगर आप उस 3000 की वैल्यू को ही चेंज कर दो, तो डेटा टैम्परिंग में क्या होता है, जैसे कि बब सूट है, वो डेटा टैम्पर में आप इसको यूज कर सकते हो। करता क्या है, ये क्लाइंट है, ठीक है, ये सर्वर है, ठीक है, बीच में होता है ये हमारा बब सूट। तो जैसे ही क्लाइंट से रिक्वेस्ट जाती है 3000 रुपये की सर्वर के पास कि 3000 रुपये का परचेज करना है, बब सूट बीच से ही उस 3000 को रोक देता है, रिक्वेस्ट को रोक देता है बब सूट, और रोक के वो आपको दिखा देता है, एकदम क्लियर टेक्स्ट में दिखा देता है कि ये 3000 रुपये की रिक्वेस्ट जा रही है। कितनी बार जो वो टेक्स्ट हैं वो इंक्रिप्टेड भी होते हैं, तो आपको वो दिखा देता है, ठीक है, और आप उसमें आपको वो ऑफर देता है, वो आपको ऐसे चांसेस देता है कि आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, यानी उस रिक्वेस्ट में जो है रिक्वेस्ट के पैरामीटर को चेंज करके आप उसको रिप्लाई कर सकते हैं सर्वर को वापस से। तो बब सूट से पकड़ा, उस 3000 को 3 रुपये बना दिया, 3000 के 3-0 को हटा दिए और सिर्फ 3 रुपये आपने सर्वर को भेज दिए। सर्वर को लग रहा है ये बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड ट्रांजेक्शन है, 3 रुपये का ही ट्रांजेक्शन करना है, सर्वर क्या करेगा, उसको सक्सेसफुल कर देगा, और यहाँ पे आपको जो आपकी शूज है वो 3000 रुपये में आपके पास नहीं आएगी बल्कि 3 रुपये में आएगी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये चीज़ है, ये टॉपिक है डेटा टैम्परिंग, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं बब सूट से। बब सूट में, हालांकि मैं इसकी प्रैक्टिकल वीडियो आपके लिए लाऊंगा बब सूट में, और आपको बब सूट में बताऊंगा कि कैसे डेटा टैम्परिंग करते हैं, आपको कुछ लाइव एग्जांपल बताऊंगा किस साइट्स पे करके, और वहां पे आपको लाइव वैल्यू चेंज करके बताऊंगा। अगर आपको एक्सटेंशन से करना है तो टैम्पर डेटा एक्सटेंशन आता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइव HTTP हेडर आता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइव HTTP हेडर और टैम्पर डेटा एक्सटेंशन से आप एक्सेसेस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्सेसेस के पेलोड आप इसमें इंसर्ट करके आप उसमें से एग्जीक्यूट करा सकते हैं। सेम वही फंडा है, एक्सेसेस का पेलोड लिया, आपको रिक्वेस्ट में डाला और रिप्लाई सर्वर को भेज दिया, सर्वर अगर वहां एग्जीक्यूट कर देता है, यानी एक्सेसेस वल्नरेबिलिटी है और आपको पॉपअप आ जाती है। बब सूट से भी आप ऐसा कर सकते हैं। तो ये कितना मतलब अच्छा होगा कि सोचो कोई आईफोन आप खरीद रहे हो, 80000 रुपये का आईफोन हो, और किसी साइट में कोई छोटी मोटी साइट हो जैसे शॉपक्लूज वगैरह हो जो उतनी पॉपुलर नहीं है अभी फिलहाल के लिए, उसमें आपको वेब एप्लीकेशन डेटा टैम्परिंग मिल गई,
बाई चांस आप सर्च करते रहो, आप देखते रहो वल्नरेबिलिटी है या नहीं। अगर आपको किसी छोटी मोटी साइट्स में मिल गई और वहाँ पर वैल्यू चेंज कर पाते हो, तो आप 80,000 के आईफोन को सिर्फ 8 रुपये में, उस पूरे जीरो की वैल्यू सच में ख़त्म कर दो, 8 रुपये में उस 80,000 वैल्यू के आईफोन को खरीद सकते हो। उसको रिक्वेस्ट ये लिया, बबसूट से पकड़ा या फिर एक्सटेंशन से पकड़ा और उधर भेज दिया 8 रुपये, वहाँ से 8 रुपये आ गए। बट ध्यान रखिएगा, जब तक वल्नरेबिलिटी नहीं है तब तक नहीं होगा कुछ भी, वल्नरेबिलिटी होना ज़रूरी है। ये वेस्ट पे में भी कवर किया गया है और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके बारे में आपको अगर डिटेल चाहिए तो आप गूगल कर लीजिएगा वेब पैरामीटर टैम्परिंग, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। और इस पे जो लाइव वीडियो है वो जल्दी ही आ जाएगी, इस पे जो प्रैक्टिकल वीडियो है वो बबसूट पे मैं आपको ला के दिखा दूंगा। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, डेटा टैम्परिंग के बारे में आपको बताना था, डेटा टैम्परिंग कितनी इंटरेस्टिंग है, कितनी इंटरेस्टिंग हो सकती है और कितना डेंजरस भी सिक्योरिटी पर्पज है, ये आपको बताना था। तो अगर आपका भी वेबसाइट है या फिर शॉपिंग साइट है तो प्लीज़ आप इन चीज़ों से अवेयर रहिए और इससे जो भी इसके प्रॉपर जैसे जो भी प्रॉपर रेमेडी है आप उसको इस्तेमाल कीजिए, सिक्योरिटी इस्तेमाल कीजिए और अपने डेटा को या फिर अपने शॉपिंग साइट्स को बचा के रखिए, क्योंकि बहुत सारे अटैकर्स हैं जो इन चीज़ों में पड़े रहते हैं। दोस्तों इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा दीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।